वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं लेकर आई हूँ आप लोग का फेवरेट हॉल जो कि है मीशो, क्योंकि मीशो का हॉल आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे ना इस टाइम पे कुछ किचन के आइटम्स मीशो में बहुत पसंद आए थे, जो मेरे को भी ऐसा लगा कि न्यू अराइवल्स हैं, तो वो मैंने फटैक से मंगवा लिए। उससे पहले कि कोई और दिखाता, मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही आपके साथ शेयर कर लूँ। कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो आपके साथ बहुत लोगों ने शेयर किए होंगे, बट मुझे वो चाहिए थे तो मैंने मंगाए। बट कुछ इसमें से ऐसे हैं जो मैंने मीशो पर अभी देखा, वो अमेजोन पर भी हैं, बट मीशो पे मैंने ये फर्स्ट टाइम देखे तो मैंने मंगवा लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका शेयर करने के लिए, क्योंकि जैसे इमेज में दिखाए थे एज इट इज़ वैसे ही आए हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी शॉपिंग से। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितने बड़े बड़े पार्सल रिसीव हुए हैं मेरे को। ये देखिए, ये 3 बड़े बड़े डब्बे रिसीव हुए हैं, और ये 2 बड़े बड़े बॉक्स, और ये छोटे छोटे से 2 बॉक्स हैं। तो टोटल जो आइटम है वो है 7 आइटम है टोटल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। लेट्स गेट। सबसे पहले मैं आज का हॉल स्टार्ट करूं, साइड में आप लोगों को मेरा इंस्टा का हैंडल दिख रहा होगा, प्लीज़ मुझे वहां पर भी जाके सपोर्ट करिए। मैं वहां पर भी आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी मेकअप की शॉर्ट वीडियोस और अपनी रील वगैरह शेयर करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस हॉल के सबसे छोटो बॉक्स से, जो छोटू मोटू सा बॉक्स है उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये वाला। मैं इन सभी के प्राइसेस और जो इसकी इमेज दिखाई गई थी वो सब ना स्क्रीन पर लगा दी जाऊंगी, तो आप देखते जाइएगा किस तरीके से दिखाया था और कैसा रिसीव हुआ है। और ये मैंने मंगवाया है सोप होल्डर का। मेरा जो बाथरूम था ना, उसमें जो हमने मतलब हैंग नहीं करवाया था, क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मैंने बताया जैसा आपको। तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया कि मैं इसको टाइल्स पर स्टिक कर दूँगी और ऐसे हैंग कर दूंगी, क्योंकि नीचे बड़े बड़े सोप एकदम मेरे गल रहे थे। तो इस वजह से मैंने 2 मंगवा लिए हैं इसमें, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिले हैं। प्लास्टिक की बात करूँ तो ओके ओके है, बट ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं ऐसा बैंड वगैरह नहीं हो रहा है, हल्की क्वालिटी नहीं है, अच्छा है। इसमें आपको बहुत तरीके के मिल रहे थे, बट मुझको ये लगा कि ठीक है रेंटेड हाउस में रहना है तो ये रफ एंड टफ मंगवा लो। और ये 2 तरीके के मुझे इसमें ये स्टिक मतलब ऐसे स्टिक करने के लिए आए हैं, जिसमें कि हुक लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके के हुक्स बने हुए हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको स्टिक करके और ये जो आपका है ये इसमें ऐसे डाल देना है। ये इस तरीके से ऐसे फिर हैंग हो जाएगा वॉल पर। तो आप अपना सोप वगैरह रखेंगे तो ये आपका वॉल पे टंगा रहेगा, तो पानी में गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इसको मंगवाया। मुझे 2 रिसीव हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। दोनों के साथ एक एक मुझे ये इस तरीके के स्टिकर्स रिसीव हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से वेट होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के स्टिकर्स मैंने और भी ज़्यादा लगाए हुए हैं अपने घर पर, जो कि काफ़ी अच्छे से वेट संभाल लेते हैं। लगभग 2 kg ये आराम से संभाल लेते हैं वेट। तो और वैसे भी मुझे इसमें सिर्फ सोप डालना है, तो ये आराम से मतलब चल जाएंगे, काफ़ी लॉन्ग लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट आइटम ये था। तो अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, आप मंगा सकते हैं। किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना स्क्रब वगैरह रखने के लिए या सोप वगैरह रखने के लिए, हैंड वॉश वगैरह के लिए, मतलब आप इस तरीके से आप इसको जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, वो है ये। उसके बाद सारे बड़े बड़े बॉक्स हैं। मैंने सारे बॉक्सेस ऑलरेडी खोल के देख लिए हैं, क्योंकि जब मुझे रिसीव हुआ था तो मुझे पता था मुझे हॉल शेयर करने में शायद टाइम लग जाए। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से इसका प्राइस था उस हिसाब से मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्चुअली कैसा बटर रखने के लिए मैंने मंगवाया है, बटर आता है वो अलग से प्लेट में ऐसे पड़ा रहता है, तो मुझे लगा कि मुझे एक स्पेशली बटर रखने के लिए एक आइटम चाहिए। और मुझे थोड़े से मतलब ऐसे आइटम्स बहुत पसंद हैं। स्टेनलेस स्टील है ये, और इस तरीके से यहाँ पर आपको 4 ऐसे रबड़ वाले ना ऐसे रखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इधर उधर फिसलेंगे नहीं। वैसे हमें फिलहाल फिसलाना भी नहीं है, एक ही जगह रखे रहना है। तो ये इस तरीके से इसमें अपने बटर रख दीजिए, और ये इस तरीके से आप इसको इसमें ढक दीजिए, तो आपका बटर इस तरीके से रहेगा। और आप कोई आएगा उसके सामने ऐसे इस तरीके से रखेंगे तो बड़ा क्लासी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आप खुद भी खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये है। तो इसमें मैं पहले अमेजोन पे देखी थी, बट अमेजोन पे बहुत कॉस्टली दिखा रहा था। उसमें बटर का भी बॉक्स था, ब्रेड का भी बॉक्स था, बट वो बहुत कॉस्टली थे, तो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। आई थिंक ये अंडर 300 है, जो भी प्राइस होगा स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, और इसमें आपका अच्छा खासा बटर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है ये। इस तरीके से मुझे मिला है, तो ये इसमें दो हैं, और आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, बट मैंने 2 का मंगवा लिया है, और ये खुल गया। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ, दोनों में सेम चीज़ ही है। इस तरीके से है ये, और ये वॉल शेल्फ ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ड्रिल नहीं करना होता है, इस वजह से मैंने ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं, मुझे ड्रिल भी ना करना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो बस कुछ उस तरीके से ही है। ये देखिए, इसमें दो तरीके से ये मुझे मिले हैं हुक्स, और ये बड़ी सुंदर लगी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। और इसमें आपका काफ़ी अच्छा सामान आ जाएगा। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँगी किस तरीके से दिखाया गया था, तो आप समझ जाएंगे। तो पहले आपको वॉल पे ये चिपकाना है, और कभी भी आप ऐसे जब मतलब स्टिक वाले जो आप सेल्फ मंगवाते हैं ना, तो पहले आप वॉल को क्लीन करके फिर इसको स्टिक तैयार करिए, क्योंकि जो धूल मिट्टी रहती है तो उससे फिर वो जल्दी उसका ग्लू ख़त्म हो जाता है। और जो ये है, ये आपको इसके जो ये यहाँ पे बने हैं ना, इसमें ऐसे फंसाना है और फिर यहाँ से इसको आगे करके लॉक कर देना है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। दोनों में आपको ऐसा करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इनको बना दिया है। और जो ये इसके हाथ पे जो ये बने हुए हैं ना, तो जब ये आप स्टिक कर देंगे वॉल पे, तो ये इसमें इस तरीके से इसको इंसर्ट कर देंगे, तो ये अच्छा खासा वेट आपका दोनों स्टिक करके संभाल लेगा। और फ्रंट में आपको इस तरीके से दिखेगा। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाइट कलर एक तो बहुत अच्छा लगता है वैसे भी, और आपका अच्छा खासा इस पर स्पेस आ जाएगा। आप अपना कुछ ड्रेसिंग का सामान आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। किचन में आप कुछ अपने आइटम छोटे छोटे स्पाइसेस के डब्बे रखने साथ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बाथरूम में भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब ये कई तरीके से आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये भी मुझे आई थिंक 250 या 300 के अंदर ही दोनों पड़े थे। जो भी प्राइस होगा स्क्रीन पर दे दूँगी। तो दूसरे बॉक्स में भी सेम यही चीज़ है। ये देखिए, इस तरीके से मुझे इसने बोला दिखा दो, मैं आपको शॉर्टकट निपटा रही थी। तो दूसरे बॉक्स में भी ऐसा ही मिला हुआ है। तो मैंने दो मंगा लिए क्योंकि इनका काम लगता ही रहता है, तो मैंने कहा मैं कॉम्बो में ही मंगवा लेती हूँ। तो मैंने ये दोनों मंगवा लिए हैं। तो नेक्स्ट ये है। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ आइटम पे। तो फोर्थ आइटम हमारा ये है। और इस हॉल में मेरा एक आइटम जो है, जो सबसे मुझे महंगा पड़ा, बाकी सब महंगा या बड़ा, मतलब वो जिस हिसाब से उसका प्राइस है उस हिसाब से वो चीज़ भी है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यही है। और ये Store 99 का आइटम है। तो आप लोग जानते होंगे Store 99, जहाँ पे बहुत अच्छे वहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स, किचन से रिलेटेड आइटम, बहुत ही अच्छे आइटम होते हैं। तो ये मीशो पर भी आपको 99 स्टोर के आइटम्स मिल जाएंगे। तो मुझे ये दिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पाइसेस के बॉक्स हैं ये, और इस तरीके से ये कंटेनर बनाए गए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग कलरफुल डब्बे एकदम दिए गए हैं, देखिए इसमें। और उसमें सब में लिखा हुआ है फर्स्ट, इसमें गर्म मसाला, और इस तरीके से इसका बॉक्स है, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसे वो पेंट वगैरह के जो बॉक्स आते हैं ना, कुछ उस तरीके के इसमें दिए हुए हैं। और उसके बाद ये येलो कलर का डब्बा है जिसमें कि लिखा हुआ है हल्दी। उसके बाद एक ब्लैक कलर का डब्बा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है काली मिर्च। ये देखिए, और आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद वाइट कलर का डब्बा है जिसमें कि लिखा हुआ है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, इस तरीके से। तो ये बहुत ही मतलब ना आपकी किचन को बहुत ही सुंदर दिखाने वाला है। और जो मैंने ये आपको स्टैंड दिखाया वॉल शेल्फ, आप उसको लगा के उस पर रख देंगे किचन में, तो ये और सुंदर लगेगा, क्योंकि वाइट पे ये उठ के दिखेंगे एकदम। उसके बाद है लॉन्ग, जो कि है ब्राउन कलर का कंटेनर। नेक्स्ट है रेड, जिसमें लिखा हुआ है मिर्च। मैं आपको सारा दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए ऐसे दिखाती हूँ। ग्रीन है, जिसमें लिखा हुआ है इलायची, ये देखिए। के बाद लास्ट कंटेनर है ग्रे, जिसमें लिखा हुआ है जीरा। तो ये मैं बोल रही थी कि ये मैंने इसमें देखा न्यू आइटम मीशो पे, मुझे ये कुछ नया दिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लगा। तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाई इसको मंगाने के लिए और आपसे शेयर करने के लिए। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपके आसपास में 99 स्टोर होगा तो आप वहाँ अगर आते जाते होंगे तो मुझे बताइएगा कि वहाँ पर ये आइटम है और इसका क्या रेट है। यही यहाँ पर सस्ता पड़ा या वहाँ पर, मतलब 99 स्टोर पर ये ज़्यादा सस्ता है या मीशो पर ज़्यादा सस्ता पड़ा है, आपके आसपास में होगा, आप जाते आते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है ये। और उसका डब्बा मतलब बहुत ही टूटा फूटा आया था, ये देखिए। तो ये मैं कहती कि आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि मोस्टली लोगों ने शेयर किया हुआ है, बट मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने किचन को ऑर्गेनाइज दिखाना था, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। बहुत फैला फैला किचन रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता। और इसका ये निकल गया है तो इसको मैं लगा देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये देखें आप। सारे पाँव सीधे हैं बट ये थोड़ा टेढ़ा है, और ये सीधा भी नहीं हो रहा, बट कोई नहीं। तो ये इस तरीके से है चकला बेलन होल्डर। तो आप इसमें चकला बेलन, अपना चॉपिंग बोर्ड, अपना चिमटा वगैरह सब रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे रख सकते हैं, क्योंकि रखने पर भी आप इसको एक साइड में रख देंगे और उस पर अपना सारा चीज़ ऑर्गेनाइज कर देंगे तो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मैंने कहा इस बार इसको मंगा ही लेते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ लोगों ने शेयर किए होंगे पहले भी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, क्योंकि अगेन बड़ा सा बॉक्स है। तो जो मैं कह रही थी कि मैंने अमेज़ोन पर भी ये आइटम देखा था, वो है ये ग्लास होल्डर। तो ये मुझे थोड़ा सा अपने किचन को और ऑर्गेनाइज़ करना था और मुझको लगा कि ये मंगाने पर कैसे एक साइड में बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अमेज़ॉन पर भी ये आइटम था तो और मीशो पर भी था, बट रेट का थोड़ा फ़र्क था। अमेज़ॉन पे थोड़ा ये कॉस्टली था मीशो के अकॉर्डिंग, बट मैं मंगाने से डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी अच्छी ना आए, रेट का फ़र्क हो रहा है तो। बट यार ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आया है, बहुत ही स्टडी है और आप देख सकते हैं ऐसे दबने वाला नहीं है, मतलब ऐसे बहुत हल्का नहीं है ये, और आपको ऐसा भी नहीं है जिससे कुश्ती करनी है। आप आराम से आपके ग्लास इसमें आ जाएंगे और अच्छा खासा वेट संभाल सकता है। और आप इसको जब एक साइड में रखेंगे ना तो कोई भी आएगा तो बहुत तारीफ करने वाला है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी की क्वालिटी है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, उसके बाद ही मैंने मीशो पे सर्च किया। अमेज़ॉन पे ये आउट ऑफ स्टॉक था और मीशो पे आई थिंक ये अंडर 400 का मिला मुझे, और अमेज़ॉन पे ये 450 या 500 था, ज़्यादा फर्क नहीं था। बट जब मुझे मीशो पे सस्ता मिला था तो मैंने कहा मीशो से मंगवाते हैं, अगर क्वालिटी नहीं अच्छी लगी तो रिटर्न कर देंगे। बट क्वालिटी सच में बहुत अच्छी आई है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। नेक्स्ट आइटम ये था गाइस। अब आ जाते हैं अपने लास्ट आइटम पे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बट मुझे ये चाहिए था तो मैंने मंगवा लिया। अरे यार मत भेजो यार मैसेज, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सबके मैसेज आते हैं, वरना सन्नाटा पड़ा रहता है। तो ये है, आप देख के समझ गए होंगे, लास्ट आइटम ये है जिसमें कि मुझे एक ये मिली है और उसको मैंने यूज़ करके वापस से रख दिया था। इसको क्या बोलते हैं, हम तो कुप्पी बोलते हैं यार, आप लोग क्या बोलते हैं बताना। मतलब जैसे ऑयल वगैरह निकालने के लिए, आज जाके मुझे इंग्लिश में सर्च करना पड़ेगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये है इसमें, और इसमें मुझे ये दो सिलिकॉन वाले एक स्पैचुला मिला है और एक इस तरीके का ब्रश मिला है। ये मेरे पास तीसरा है ये सेट, बहुत सारे हो गए हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए था ये, देखिए अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे चाहिए थे ऑयल कंटेनर्स, तो इसमें मुझे दो मिल रहे थे और इस तरीके से है। तो इसमें क्या रहता है ना कि आपका ऑयल बहुत हिसाब से निकलता है, तो मुझको ये अच्छा लग रहा था। और कांच की बोतल वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज़ करनी चाहिए, कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा ही रहता है। तो मुझे लगा कि ये मुझे मंगाना चाहिए, बहुत टाइम से मैं इसको मंगाना चाह रही थी, बट मेरा जो ऑयल कंटेनर था वो अच्छा था तो मैंने इसलिए। और ये बहुत ही टाइट है, आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपका ऑयल बिल्कुल भी इसमें से मतलब जैसे बाहर लीकेज वगैरह नहीं होगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको एक हिसाब से ऑयल आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपका ये लॉक हो जाएगा। तो एक में आप अपना मस्टर्ड का जो भी मतलब आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, एक में रिफाइंड ऑयल, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दोनों की इस तरीके से मुझे ये कैप मिले हुए हैं और उसके साथ मुझे मिली है ये चार कंटेनर्स मिले हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से चार मिले हुए हैं। इसमें आप तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे कंटेनर्स मिल जाएंगे, जिसमें एक साइड में आपको ऐसे छोटे छोटे होल्स दिए हुए हैं आप इसे स्प्रिंकल करने के लिए, और एक साइड में थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है इस तरीके से। और आप चाहे तो उसको पूरा खोल भी सकते हैं, इस तरीके से पूरा इसका है। तो ऐसे मुझे टोटल चार कंटेनर्स मिले हुए हैं ये, और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल पड़ा। जिस हिसाब से इतने सारे आइटम मुझे इसमें मिले हैं उस हिसाब से ये मुझे बहुत ही सस्ता लगा। और क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, पैकेजिंग बहुत अच्छे से थी, हर कंटेनर को इस तरीके से पैक किया था जिससे टुकड़े वगैरह ना। और मुझे ये आइटम बहुत ही अच्छे लगे। मैं अपनी मतलब सारी ही शॉपिंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, सारे आइटम मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और ये हॉल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके कोड मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी आपको आइटम अच्छा लगे आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी आइटम मंगाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। इंस्टा में मुझे टैग भी कर सकते हैं, मुझे और अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। और आपको पता ही है मुझे प्यार देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और अपने रिव्यूज़ वगैरह देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। लव यू गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।